हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो एक्चुअली मेरे किचन से रिलेटेड है। किचन में छोटे छोटे टूल्स हैं जो आई होप सबके घर में ही होते हैं, बट मेरे पास भी हैं थोड़े बहुत। मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ कि किस तरीके से मैं छोटे छोटे टूल्स से अपना जो किचन है वो और प्रोडक्टिव बनाती हूँ अपने काम को, और क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। ज़्यादा नहीं है, जितने भी मेरे पास थे मुझे समझ में आए मैंने वो आपके साथ शेयर करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये एक कुछ भी आप इससे ना पकोड़े जो भी तल रहे हो चीज़ें वो आप इससे उठा सकते हो। ये जो लैडल आती है ना जिससे हम पकोड़े छानते हैं मतलब बनाते हैं वो वाली है, लेकिन ये इस तरीके से है कि आप इसको ना पकड़ सकते हो इससे पकोड़ों को, और आराम से ना तेल जो है वो भी छन जाता है। तो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ इसको, और इस तरीके से आप आराम से इससे ना पकोड़े निकाल सकते हो। तो पकड़े भी जाएंगे आपके पकोड़े, और जो तेल है बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इससे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अब तक की मेरी मतलब सबसे बेस्ट थिंग लगती है मुझे ये, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने आई थिंक कि विशाल मेगा मार्ट से मैंने ली थी या फिर डी मार्ट से लिया था, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है। बहुत पहले मैंने लिया था, 6 महीने हो गए इसको लिए हुए ही, बट ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है ना, तो मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँ, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, और काफ़ी अच्छे से इसमें तेल जो है वो निकल जाता है, बिल्कुल भी आपके खाने में तेल नहीं रहता। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हो। दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है अपने किचन में, वो है मेरा सिलबट्टा। तो ये तो मतलब मेरी शादी से पहले का ही है, बट आप ना घर पे भी इस तरीके से सिलबट्टा बना सकते हो। जो पत्थर हैं कहीं पे भी, मतलब आपको बाहर अपनी गली में भी पत्थर मिल जाएंगे इस तरीके के, और उस पे भी आप इस तरीके से अच्छे से उसको वॉश करके और सिलबट्टा बना सकते हो। मेरा तो ये मेरी शादी से भी पहले का है, और मैं बहुत अच्छे से इसको यूज़ भी कर रही हूँ। ये 2 पत्थर मैंने अपनी गली से बाहर ही निकाले थे, और इनको भी मैं अपने सिलबट्टे पर यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों ने ना इस वाले पर कलर कर दिया था, बट ये कलर बिल्कुल भी निकलता नहीं है। मैंने बहुत इसको रगड़ रगड़ के 7-8 बार धोया है, बट बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं इसको सिलबट्टे पे यूज़ कर लेती हूँ, तो आराम से यूज़ हो जाता है। तो पत्थर आप 2 या 3 रख सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, कोई भी। देखो मेरा जो छोटा वाला पत्थर है वो भी बहुत अच्छे से काम आता है, और बड़ा वाला पत्थर भी बहुत अच्छे से काम आता है मेरे। तो इस तरीके से मैं अपने जो सिलबट्टे पे है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पत्थर बदलती रहती हूँ, बट ये सिलबट्टा जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैं अपने किचन में बहुत यूज़ करती हूँ। तो आई होप आपको ये भी पसंद आएगा। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सी ये सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी, रॉ मैंगो चटनी थी ये। इसकी रेसिपी चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हो बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए मेरा तो सिलबट्टे वाली चटनी रेडी है, और सिलबट्टा भी बहुत अच्छे से इस पर काम आया है। थर्ड जो प्रोडक्ट है मेरा वो एक कतरन। हम हमेशा ऐसे कोई मिठाई बनाते हैं तो उसमें ना हम जब भी ड्राई फ्रूट्स हुए वो चॉप करके अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो चाकू से अगर हम काटते हैं तो कई बार हाथ कटने का डर लगता है, तो इसके लिए आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये वाला ना प्रोडक्ट थोड़ा सा हल्का ही आया, पता नहीं क्यों मेरा टूट भी गया, बट ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद आता है तो मैं अभी इसको दोबारा ऑर्डर करने वाली हूँ अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि ये वाली क्वालिटी तो मुझे पसंद नहीं आई। इसका ये टूट गया था, तो काफ़ी अच्छे से कोई भी ड्राई फ्रूट हो उसकी बिल्कुल अच्छी कतरन हो जाती है। और आप देख सकते हो ये साइड से ना, मतलब ये यहाँ से बिल्कुल ऐसा टूट सा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट अभी भी काम आ रहा है ये। फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है मेरा ये फ़नल। तो ये फ़नल बिल्कुल बहुत यूज़फुल है, जो भी आप छोटे मुंह की बोतल होती हैं या तेल हमें पोर करना होता है अपने बड़े बर्तन से छोटे वाले ग्लास जार में, या कोई भी आप ऐसी चीज़ें जो आप छोटी जिसका मुंह छोटा होता है ना बोतल का,
उसमें आप ये फ़नल लगा के उसमें चीज़ें पोर कर सकते हो। तो मैं तो मतलब मेरा जो तेल वाला बर्तन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत 15 लीटर का भी हम मंगवा लेते हैं, कभी 5 लीटर का मंगवा लेते हैं। तो जब छोटी बोतल में ट्रांसफ़र करना होता है तब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे बहुत काम आता है किचन में। और छोटी छोटी चीज़ें हैं बट जब यूज़ करते हैं ना तभी पता चलता है कि ये वाली चीज़ कितनी यूज़फुल है, कितना हमें डेली बेसिस पे काम आती हैं। और ये देखो बहुत अच्छे से तेल जो है वो डाल लेते हैं हम, और बिल्कुल भी यहाँ पे गिरा नहीं है, आराम से बॉटल के अंदर चला गया। एक प्रोडक्ट है ये ग्रेटर, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है। इसमें आप जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ें जब सब्जियों के लिए ग्रेट करना चाहते हो ना तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके नीचे ना एक ढक्कन सा भी लगा हुआ होता है, सारी जो चीज़ें आप ग्रेट कर रहे हो वो उसके ऊपर उसके अंदर गिर जाती हैं, और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है। ये इन सब चीज़ों की एक्चुअली लिंक मैं शायद ही दे पाऊँ, जो ड्राई फ्रूट ग्रेटर था उसका हम दे सकते हैं क्योंकि वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। बाकी तो सारी चीज़ें मैं मोस्टली देखो ऑफलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, बट सिमिलर प्रोडक्ट हो तो पता नहीं। अब ये वाला देखो, ये ऑनलाइन लिया हुआ है। ये एक जो डिश वॉशर कंटेनर होता है ना, डिश वॉश कंटेनर एक्चुअली जिसमें लिक्विड डालते हैं, लिक्विड या स्टोरेज के लिए, वो वाला मैंने मंगवाया था। और इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि इसका जो एक तो जो पंप है वो थोड़ा सा ना लिक्विड को आगे की तरफ फेंकता है, मतलब इसका जो ये टब यहाँ पे दे रखा है ना उसमें नहीं डालता, बाकी आगे पंप करता है, तो वो पूरा लिक्विड ना नीचे गिर जाता है। प्लस इसकी क्वालिटी भी मुझे हल्की लगी, ये 117 रुपये का आया था और इसकी जो क्वालिटी थी मुझे बिल्कुल भी हल्की लग रही थी, इसलिए मैंने ये रिटर्न कर दिया। बट वैसे किचन में अगर अच्छा प्रोडक्ट निकले, मतलब क्वालिटी अगर अच्छी हो तो अच्छा है, बाकी तो मुझे इतना मतलब इसका जो क्वालिटी थी वो हल्की लगी थी। और यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रे रख रखी है जिसमें मैं अपने सारे ये बर्तन धोने के सारा सामान रखती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको रिप्लेस करके और लिक्विड वाला डिटर्जेंट ही अब यूज़ करूँगी अपने बर्तन धोने के लिए। बट फिर जब क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। हालांकि मेरा जो डिश लिक्विड था वो डिश वॉश लिक्विड वो मैं यूज़ करती हूँ अब मेरे पुराने वाले में ही। और इसका मैं देखो आपको बता दूँ तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये लिक्विड, उसके बाद उसमें पानी मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से जो बर्तन है वो हमारे धुलें। तो लिक्विड आज थोड़ा सा इसमें भर लेंगे, तो अभी पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अभी इस पर जो ये ढक्कन है वो लगा देंगे। तो ये सपोज़ ऐसे होना तो ये ऐसा चाहिए था कि जो हम इसको पंप करेंगे तो ये जो लिक्विड है ये इस जो ये टप है इसी में जाए, बट ये ना बाहर की तरफ निकलता है, मतलब यहाँ पे आप इसको जो हमारा स्क्रबर है उसको आगे की तरफ करो तब इसमें जाके ये गिरेगा, बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा था और मुझे क्वालिटी भी ढंग की नहीं लगी, तो ये तो मैंने रिटर्न कर दिया। बाकी आप लोग बताना आप लोग कितना इसको यूज़ करते हो और आपको ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको रखने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे भी मुझे इसका स्पेस एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा ले रहा था, और मुझे मेरे मेरे किचन के लिए मुझे ये सही नहीं लगा। बट आपके किचन में या आप यूज़ करते हो तो मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको सही लगता है तो मे भी मैं फिर वापस इसको मंगवाने का सोचूंगी। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये ना, एक तीन इसमें आए थे हुक, तो ये ना स्टिकर हुक हैं, स्टिकर की तरह लग जाते हैं कहीं पे भी, ऐसा सरफेस प्लेन सरफेस होना चाहिए वहाँ पे आराम से ये लग जाते हैं। तो ये मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया था, तो एक जो है वो मैं निकाल कर बच्चों के रूम के डोर पे लगाने वाली थी क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम पड़ी थी जिसमें अनवी की फ़ोटो थी, जो मैंने सोचा कि उनके रूम के गेट के पास ही लगा दूँ, मतलब गेट के ऊपर लगा दूँ, तो यहीं पर मैंने इसको लगाया। और ठीक है, मतलब स्टिकर की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लगी मुझे, बट फिर भी ठीक है, किचन के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी सही लगता है और मैं यूज़ भी कर रही हूँ इसको अभी। तो चलिए फटाफट से इसको लगा के मैं बताती हूँ आपको। तो
तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करा। थोड़ा इसको ना रहने देंगे, मतलब इसको थोड़ा सा अपनी जगह पे स्टिक होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद इस पर हम कोई भी चीज़ टांग सकते हैं। तो मैंने अभी आपको टांग के दिखाया है, बाकी इसको हटा दूंगी मैं, क्योंकि अपनी जो जगह है वो उसको लेनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।